हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोब एक्सेस सॉल्यूशन ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कोरिया टूरिस्ट वीज़ा। और मेरे को हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोला था पिछले वीडियो में कि आप कोरिया के साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में भी एक वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पर है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको गो थ्रू कराया था कोरिया के बारे में कि कोरिया कैसा, हाउ इज़ कोरिया, हाउ टू गेट अ जॉब देयर, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द जीवन वीज़ा एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आज की वीडियो जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ क्वाइट वेरी सिंपल प्रोसेस टू अप्लाई फॉर द कोरिया टूरिस्ट वीज़ा। And upon arrival in Korea on a tourist visa, you can easily get a job here, as I stated earlier in my previous video. और जीवन कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर लीगल स्टे भी कर सकते हैं मोर देन सिक्स मंथ्स, और वो रिन्यू होता रहता है और 5 years तक चलता है। इट इज़ वैलिड अप टू 5 years। आप अगर खुद अप्लाई करना चाहें कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा, बहुत इजी है और सिंपल प्रोसेस है उसका। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है एज़ पर द रीजन जुडिशरी ऑफ कोरियन कॉन्सुलेट, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप गो थ्रू कर सकते हैं जाकर। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपका एविडेंस चाहिए एम्प्लॉयमेंट का, आपका एविडेंस ये इफ़ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड और अ बिजनेस पर्सन। एक साल की आईटीआर चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो उन्होंने अब 3 साल के आईटीआर मांगने शुरू कर दिया है। और पहले वो मांगते थे 6 months की सैलरी स्लिप एज एन एविडेंस दैट यू आर वर्किंग और एम्प्लॉयड विद बाय द एम्प्लॉयर, बट अब वो 1 साल की सैलरी स्लिप मांग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे आर गेटिंग अ ह्यूज फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी, दैट इज़ अ C39। बट अभी कुछ भी बोला ही नहीं जा सकता है, बट दे आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। आई विल कीप यू पोस्टेड विद द अपडेट्स इफ देयर इज चेंज happens from the consulate journal of Korea in India। आप वापस आते हैं चेकलिस्ट पर। अगर आपके पास 3 साल की ITR नहीं है तो आप एक साल की भी दे सकते हैं, बट लेटर ऑन वो मांग भी सकते हैं आपसे 2 साल की एक्स्ट्रा। इट इज़ द राइट इज़ रिजर्व विद द कॉन्सुलेट ऑफ कोरिया इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया कि वो आपसे कोई भी एडिशनल और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं अपार्ट ऑफ द चेकलिस्ट, सो बी प्रिपेयर्ड विद इट। अभी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो थोड़ी लंबी हो गई है, पहले नहीं थी। पहले सिर्फ 1 साल की ITR और 3 months की सैलरी स्लिप मांगते थे, बट अब 1 year की सैलरी स्लिप और 3 years की ITR मांगने शुरू कर दिया होंगे। और अगर कुछ ऐसी ट्रैवल एजेंसीज हैं सियोल में जो इनविटेशन लेटर देती हैं, तो बेस्ड ऑन इनविटेशन the success ratio of the tourist visa is quite very high। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपको कोई असिस्टेंस की रिक्वायर्ड हो हमारे एंड से तो आप हमें ज़रूर बताइए आगे। टूरिस्ट वीज़ा, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप किसी एजेंट के चक्कर में प्लीज़ मत आइएगा, क्योंकि एजेंट्स आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे ऑब्वियसली, और वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट देंगे। अभी जो प्रोसेस टाइम है, मैक्सिमम जो प्रोसेस टाइम है वो 30 working days है, इवन फॉर अ एक्सप्रेस वीज़ा। एक्सप्रेस एंट्री में जो भी एप्लीकेशन आ रही है उनका भी टाइम मैक्सिमम 30 working days है। तो आप ये इन चक्करों में मत आइएगा कि 10 days का प्रोसेस टाइम है, 7 days का प्रोसेस टाइम है, दैट टाइम इज़ ऑलरेडी बीन गॉन। बिकॉज
एज आई स्टेटेड अर्लियर कि उनके पास एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह से उनको रिव्यू करने में काफ़ी टाइम लग रहा है और विदाउट रिव्यू वो किसी का भी डिसीज़न नहीं दे सकते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्रोग्राम योर माइंड कि आपको एटलीस्ट सबमिशन के बाद एटलीस्ट आपको 30 डेज वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपका जल्दी रिजल्ट आ जाता है इट इज़ वेल एंड गुड, सो यू कुड बी अ लकी वन, बट जो अभी मैक्सिमम प्रोसेस टाइम है वो 30 डेज का है। सेकेंड थिंग, कुछ जो एजेंट्स हैं वो बोल सकते हैं कि हम आपका वीज़ा ग्रांट करा देंगे, शो शॉट है और आप रीच करा सकते हैं। ऐसा नहीं कराना है, यहाँ पे आने का सिंपल प्रोसेस है। जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा आप खुद ही अपनी फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, आपका PCR टेस्ट करा के आप उसको एक पोर्टल है क्यू कोड का उस पर अपडेट करके आप एक QR कोड ले सकते हैं विच इज़ एन एविडेंस दैट यू आर अ नेगेटिव कोविड नेगेटिव। सो योर PCR रिपोर्ट शुड बी अपडेटेड एंड अपलोडेड इन टू दैट पोर्टल। उस पोर्टल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं उस पर। रीच का कोई सेंस नहीं बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जब आप अराइव कर जाएंगे, जब आप इमिग्रेशन पे होंगे, इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। और इफ़ यू आर अ जेन्युइन और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर देन दे वुड नॉट आस्क यू इवन अ सिंगल क्वेश्चन। इन माई केस आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। सिर्फ ये पूछा था कि आपका रिटर्न कब है, और रिटर्न पूछने के बाद उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। दे और ये कंफर्मेशन एंट्री दे स्टैम्प दे नेवर पुट अ इमिग्रेशन स्टैम्प ऑन द पासपोर्ट, दे जस्ट गिव द कंफर्मेशन एंट्री। और मेरे को 3 महीने की एंट्री मिली है। 3 महीने की एंट्री मिलने के लिए इट मीन्स मैंने 25 अगस्त को मैंने यहाँ पे एंटर किया था और मेरे को 25 नवंबर तक की एंट्री मिली है। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा आप किसी एजेंट के चक्कर में मत आइएगा। आपको कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, हमारा चैनल न्यू है तो वी नीड योर सपोर्ट। और आपको कोई भी ज़रूरत पड़े किसी भी असिस्टेंट की आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड और हम अपनी अगली वीडियो लेके जरूर जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।